एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैपजेमिनी ड्राइव के बारे में। अब आप बोलोगे कैपजेमिनी ड्राइव के बारे में तो आपने पहले से एक वीडियो बना रखा है। हाँ, मैंने बना रखा है, वो अप्रैल में बनाया था और उस टाइम के हिसाब से वो वीडियो बना हुआ है। लेकिन अभी आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि कैपजेमिनी ने रिसेंटली अपना पैटर्न चेंज करा है। मतलब जो पहले आपने वीडियो देखा वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। अब जो भी अपकमिंग ड्राइव्स होंगे, मतलब जो ड्राइव 2021 और लेटर के बच्चों के लिए होने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है, ना कि वो वाला। तो आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चाहो कि कंपेयर कर लेते हैं कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब अगर जानने का मन करे, किसी को होती है क्यूरियोसिटी और ये अच्छी चीज़ है, अगर ऐसा कुछ मन करे तो आप ओल्ड वीडियो भी देख सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आपको मन ना करे तो ये वीडियो एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक देखो, ताकि आपको न्यू पैटर्न के बारे में पता चले। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी फीडबैक हो, मतलब लाइक या डिसलाइक, जो भी मन करे वो प्लीज़ कर देना। क्योंकि बहुतों को पता तो है कि पैटर्न चेंज हुआ है, पर न्यू पैटर्न है क्या वो नहीं पता है, तो वही मैं बताने आई हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपको लगे कि ये वीडियो मतलब आपको हेल्प करा, आपको पता चला कि न्यू पैटर्न क्या है, आप कहीं पर आपको कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ अगर लगे, तो इस वीडियो को जितना मन करे ना शेयर करना। क्योंकि आपके जैसे बहुत 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 ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो आपको आपकी क्लास में मिल जाएंगे जिनको न्यू पैटर्न के बारे में नहीं पता है, और वो इनोसेंट बच्चा अभी भी ओल्ड पैटर्न को लेकर के खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा हो, अगर वो अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले तो हो सकता है वो कैपजेमिनी में प्लेस हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना उस बच्चे के साथ, उसको पता नहीं है कि न्यू पैटर्न आ गया, पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो अभी भी खुद को ओल्ड पैटर्न से प्रिपेयर कर रहा है जो उसको हेल्प नहीं करने वाला है। तो प्लीज़ उस बच्चे की भी हेल्प कर दो और मेरी भी हेल्प कर दो, जितना मन चाहे इस वीडियो को शेयर करो, दुआएं मिलेंगी। बाकी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या होने वाला है, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं सब कुछ जानेंगे। बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब सबसे पहले ये जानना तो ज़रूरी है कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तुम भी प्लीज़ देखना, इसलिए क्योंकि ये अगर आज तुम्हारे हेल्प नहीं करने वाले तो भी हो सकता है 3 साल बाद तुम्हें हेल्प कर दे। क्योंकि पैटर्न ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ चेंज होता है, अगर अभी चेंज हुआ है तो कम से कम 5-7 साल तो यही पैटर्न रहने वाला है, तो तुम्हारे काम आने वाला है। ओके, तो देखने लगा सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले बीटेक, बीई और एमसीए फाइनल ईयर वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल हैं। मतलब बीटेक, बीई या एमसीए, मतलब एमसीए वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 10th में 60% होना चाहिए, 12th में 60% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। जो बच्चे पास आउट हैं उनका भी ऑब्वियसली 60% होना चाहिए, और जो बच्चे बोलोगे अभी पास आउट नहीं है, हम 2021 में पास आउट होने वाले, अभी हमने हमारा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, और किसी किसी कॉलेज में तो जो आपका 6th सेम होगा उसका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ होगा, तो फाइन। अगर वैसा भी कुछ केस है तो अगर आपका 5th सेम तक का ही एग्ज़ाम हुआ है तो आपका जो अप टू 5th सेम का परसेंट है दैट शुड बी 60 और मोर। ओके, और अगर आपका 6th सेम का एग्ज़ाम हो गया है तो 6th सेम तक का जो आपका परसेंट है दैट शुड बी 60 और मोर। तो ये हो गया आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं बैकलॉग्स की, तो एक भी बैकलॉग अलाउ नहीं है। मतलब आपके सारे के सारे बैकलॉग्स क्लियर होने चाहिए। कभी थे किसी ज़माने में फर्स्ट ईयर में जो आपने सेकेंड ईयर में क्लियर कर लिए तो चलेगा, बट अभी मतलब इस मोमेंट पे आपके पास एक भी बैकलॉग बचा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ओके, और 60% आप लोगों ने सुन लिया, बाकी सब कुछ तो बोल दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि मेरा स्टडी गैप है, तो अगर आपका फर्स्ट ईयर और 12th के बीच में 1 साल का गैप है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का गैप है, होता है ना कुछ बच्चे ऐसा गैप लेते हैं फॉर जेई प्रिपरेशन और कुछ और रीज़न होता है, तो चाहे आपका रीज़न कुछ भी हो, अगर आपका 12th का जो एग्ज़ाम था बोर्ड एग्ज़ाम उसमें और जो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उन दोनों में अगर 1 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है तो यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। तो ये देख लेना कि आपका जो स्टडी गैप है दैट शुड बी मैक्सिमम 1 ईयर और एटमोस्ट 1 ईयर। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो एक बार समराइज कर देते, तो ओनली बीई, बीटेक और एमसीए वाले बच्चे जो हैं वो अलाउड हैं। वो भी कौन से बच्चे, जिनका जो थ्रू आउट है, मतलब अभी तक आपका जितना एग्ज़ाम हुआ है फ्रॉम 10th, सब में आपका 60% होना चाहिए मिनिमम। ओके, सो 60 और मोर अगर है तो आप एलिजिबल हो, प्लस आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए और स्टडी गैप 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग कैपजेमिनी के राउंड्स की। तो फर्स्ट राउंड क्या होने वाला है, तो फर्स्ट राउंड आपका होगा स्यूडो कोड। अब बोलोगे स्यूडो कोड क्या होता है, तो पहले भी कैपजेमिनी में ऐसे कुछ कोडिंग राउंड नहीं हुआ करता था,
अभी भी नहीं है, अभी उन्होंने स्यूडो कोड को इंट्रोड्यूस किया है। स्यूडो कोड इज़ नथिंग बट स्नाइपेट आउटपुट काइंड ऑफ। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो देखो, उसमें क्या होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके पास एक कोड स्नाइपेट दिला हुआ है जिसमें कुछ छोटे मोटे एरर्स हैं। उस एरर की वजह से हो सकता है आपका जो भी कोड दिया हुआ है वो कंपाइलेशन एरर कभी थ्रो कर रहा है। कुछ कोड्स में ये हो सकता है कि वो आंसर तो दे रहा है बट डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो नहीं दे रहा है, मतलब हो सकता है कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो। तो आपको ना उस स्नाइपेट को पढ़ना है और देखना है इसमें मिस्टेक क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ नहीं होता है, एक सेमी कोलोन छूटा हुआ होता है, तो आपको जाके सिर्फ एक सेमी कोलोन लगाना है और आपको आपका मार्क्स मिल जाता है। कभी कभी होता है कि आपको कुछ नहीं है, टू नंबर्स का सम, बस यही आपका कोड स्नाइपेट दिला हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कि वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो सम की जगह डिफरेंस निकाल रहे हैं। आपने कोड चेक करा तो देखिए ए प्लस बी को उन्होंने ए माइनस बी लिख दिया, तो आप माइनस को वहाँ से हटाओ और प्लस डाल दो, बस आपको कोड ठीक करना है। तो एक ये इस टाइप का हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया है कि आपको दो नंबर का सम प्रिंट करना है, ये लिखा हुआ है, बाकी पूरा कोड लिखा हुआ है, बस आपको ऐसा होता है ना, लिखा हुआ है प्रिंट एफ परसेंट डी और उसके बाद कॉमा देके कुछ छोड़ दिया गया है कि वहाँ पे आप फिल करो क्या लिखना है। तो वहाँ पे अगर आपको ए प्लस बी लिखना है या फिर अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो तो आप वो करके और उसके बाद करो, जैसे भी, मतलब आपको वो डिज़ायर्ड आउटपुट लाना है। अगर एरर है तो एरर ठीक करके डिज़ायर्ड आउटपुट लाना है, अगर कुछ मिसिंग है तो उसको कंप्लीट करके आपको लाना है, मतलब आपका कोड का या तो आपको एरर ठीक करना है, जो उन्होंने कोड दे रखा है सॉरी, उस कोड का या तो एरर ठीक करना है या फिर उसको कंप्लीट करना है। दिस इज़ फर्स्ट राउंड एंड गाइज दिस इज़ एलिमिनेशन राउंड। अब एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, मतलब अगर उनका जो भी कट ऑफ है तो कट ऑफ डिपेंड करता है, मतलब किसी कॉलेज का मतलब कितना बच्चा उनको लेना है इस पे बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। ओके, मान लो आपके कॉलेज से उनको 100 बच्चों को लेना है, उन्होंने देखा कि जो 50 बच्चे हैं उन्होंने ऐसे बच्चे, मतलब आपके कॉलेज से मान लो 50 बच्चे ऐसे हैं जो 80% से ज़्यादा स्कोर करें, तो आपके कॉलेज का कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 85 और समथिंग, ऐसा कुछ हो जाएगा, कि ऑब्वियसली सारे बच्चे को नेक्स्ट राउंड में ले जाएंगे, फिर वहाँ से एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। तो वो लोग हर राउंड को एलिमिनेशन रखे हुए एक्सेप्ट समथिंग जो आराम आराम से हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाकर के ये क्या है, एलिमिनेशन राउंड है। तो आपका जो भी कट ऑफ होगा, अगर आपने उस राउंड को क्लियर करा तो आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे, और अगर नहीं किया तो वहीं से टाटा बाय बाय। ओके, तो आप मान लो आपने उस राउंड को क्लियर किया, मतलब जो भी एरर्स वगैरह थे, एरर्स थे या फिर कंप्लीट करना था कोड को, जो भी करना था आपने कर दिया, मतलब स्यूडो कोड राउंड आपने क्लियर कर लिया। अब आप घुस गए सेकेंड राउंड में, एंड सेकेंड राउंड इज़ नथिंग बट वर्बल टेस्ट और इंग्लिश। ओके, तो उसमें क्या है, उसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली मैंने जैसा बोला एमसीक्यू टेस्ट है, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं। कहीं पे आपका प्रपोजिशन का टेस्ट हो जाएगा कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिला हुआ है, चार प्रपोजिशंस डाले हुए और आपको पता कर, मतलब आपको फिल करना है कि कौन सा वाला चारों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो वहाँ पे जाएगा। कभी कभी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स का हो सकता है। ओके, और आपको एक और चीज़ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या होगा, चार ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए आपको मार्क करना है। एंटोनिम के लिए भी सेम केस हो जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर वर्ड का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, तो फिर से आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दिस इज़ आल्सो एन एलिमिनेशन राउंड। तो मतलब ये भी एलिमिनेशन राउंड है, मतलब यहाँ से भी कुछ बच्चे बाहर जाएंगे जिन्होंने भी क्राइटेरिया जो जिन्होंने भी सॉरी कट ऑफ क्रॉस नहीं करा, वो बाहर चले जाएंगे। ओके, तो मान लेते हैं आपने सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लिया, मतलब आपने स्यूडो कोड राउंड भी क्लियर किया, उसके बाद आप जाकर के जो सेकेंड आपका इंग्लिश राउंड था, टेक्निकल इंग्लिश कम्युनिकेशन बोल सकते हो, वो आपने कर लिया। उसके बाद आप आते हो थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, वो है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, और ये भी एलिमिनेशन है। अब बोलोगे कि इसमें गेम्स का रूल क्या होता है और किस टाइप के होते हैं, तो आपको ग्रिड गेम हो सकता है और कलर पजल हो सकता है, बहुत सारे टाइप के ऐसे कुछ गेम होंगे। और हाँ, हम सबको गेम आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ऑब्वियसली गेम है तो कुछ रूल होगा। तो राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको एक बार उन लोग सैम्पल दिखाते हैं। ओके, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो थर्ड राउंड है दैट इज़ गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये टेस्ट स्टार्ट होने से पहले उन लोग आपको एक सैम्पल दिखाएंगे, एंड सैम्पल में आपको जस्ट वो सिखाएंगे, तो वहाँ से आप एलिमिनेट नहीं हो रहे हो। उसके बाद जब आप एक्चुअल टेस्ट में घुसते हो, वहाँ पे जाकर के वो एलिमिनेशन राउंड होता है। तो वहाँ से वो लोग आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ वहाँ से उन्होंने टेस्ट करा, और ये एक एलिमिनेशन राउंड है। तो जो बच्चा
इस वाले राउंड को भी क्लियर किया, वो घुस जाएगा फोर्थ राउंड में। एंड फोर्थ राउंड इज बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या होता है बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुनो कि बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है ये नॉन एलिमिनेशन राउंड है, मतलब इससे कोई बच्चा बाहर नहीं जा रहा है। मतलब जो बच्चा, जो भी मान लेते हैं 50 बच्चे ने फर्स्ट थ्री राउंड्स, जो कि जैसे हो गया स्यूडो कोड, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, तो जो 50 बच्चा इन तीनों राउंड को क्लियर कर चुका है, तो वो फोर्थ वाला जो हमारा बिहेवियर कॉम्पिटेंसी है उसमें कुछ भी मार्क करे ना करे जैसे भी करे, वो फिफ्थ राउंड में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बिहेवियर कॉम्पिटेंसी है, यहाँ पे एलिमिनेशन जैसा कुछ नहीं होता। अब बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि लाइक आर यू ओके विद शिफ्ट्स, तो कुछ बच्चे हाँ बोलते हैं, कुछ बच्चे ना बोलते। उसके बाद यहाँ से आपका एक बिहेवियर टेस्ट करता है, मतलब आपको मेसी रूम में रहना अच्छा लगता है या फिर आपको क्लीन में रहना अच्छा लगता है, तो इन सब टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप ऐसे बच्चे हो जिसको नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे हो, थोड़ा कम एग्री कर रहे हो, बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या ही करना, मतलब हो सकता है किसी को सीखने में बहुत मज़ा आता है, किसी को नई चीज़ों से डर लगता है, किसी को चेंज पसंद नहीं होता है, तो ये सब सिर्फ आपका बिहेवियर है। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेशन का नहीं होता, और इसको प्लीज़ ऑनेस्टली देना, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली देना, ओके, तो आराम से देना। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट राउंड में, दैट इज़ टेक्निकल इंटरव्यू। और टेक्निकल इंटरव्यू में आप सबको पता है कि ये एक काइंड ऑफ मेन राउंड हो जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे एलिमिनेट होते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू उसके बाद आपका आता है, मतलब फिफ्थ राउंड है आप, तो फिफ्थ राउंड आपका हो गया टेक्निकल इंटरव्यू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस किस किस चीज़ से पूछ सकते हैं, तो ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DBMS, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इतना पढ़ के जाना। अगर इसमें भी बोलोगे कि थोड़ा सा कम कर दो, सिलेबस बहुत हो गया, तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और DBMS, इन तीनों को ना जितना अच्छे से हो सके चार्ट जाना। अगर इनके बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लेना, और अगर उस दोनों अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास स्टिल टाइम बचा हुआ है तो सॉफ्टवेयर पढ़ लेना, और अगर फिर भी टाइम बचा तो रिवीजन मार देना। मतलब यही छह सब्जेक्ट है जो आप पढ़ के जाना जितना कर सकते हो, लेकिन ये जो तीन, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और DBMS, इसको जितना अच्छे से हो सके वो कर लेना। बाकी लैंग्वेजेस में अगर बोलोगे तो C++ या जावा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी लैंग्वेज है उसको एक को, मतलब प्रेफर मैं करूँगी C++ जावा, क्योंकि कोई भी कंपनी इन दोनों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, स्पेशली जावा से, ओके, तो यस, तो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी सी तो पक्का पढ़ लेना, क्योंकि सी मदर लैंग्वेज है, वहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो यस, इतना पढ़ के चले जाना। और बाकी अगर मान लो कि तुमने ये वाला राउंड भी क्लियर कर लिया, तो आता है आपका लास्ट वाला राउंड, एंड दैट इज़ HR राउंड। HR राउंड में फिर वही वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो बाकी हमने एक पूरा सीरीज़ बना के रखा हुआ है HR इंटरव्यू पे, तो वो जाकर के आप वहाँ से देख लेना, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे, तो कर लेना। और गाइज, एक लास्ट टिप मैं ये देना चाहूँगी कि मान लो आपने जो खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, आप क्या करोगे, आप स्नाइपेड आउटपुट लगाना स्टार्ट करोगे, अगर आपको कैपजेमिनी में जाना है तो वहाँ से आप रेडी हो गए कि हाँ हो गया, आपको मैंने जो भी 4-5 सब्जेक्ट्स बताए हैं फॉर टेक्निकल इंटरव्यू, आपने वो भी पढ़ लिया, उसके बाद हो रहा है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो गाइज उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस और ब्रशअप की ज़रूरत होती है। उस टाइम आपको मैं फिर से नहीं बोलूँगी कि 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, आप डेटा स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लिए बहुत अच्छे से, आप इतने अच्छे से पढ़ लिए हो कि अब आप बस आप रेडी हो, आपको बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखना है, आपको जानना है कि कंपनीज़ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती हैं, इन चीज़ की आपको ज़रूरत है, ना कि सेम नोट को बार बार पढ़ने की, दैट इज़ टाइम वेस्ट एंड नथिंग एल्स। तो आप चले जाओ इंटरव्यू बिट पे जाकर के आप एक बार लगा दो, हो गया। इंटरव्यू बिट अगर पूरा का पूरा भी आदमी ख़त्म करना चाहे ना, मैं फ्री वाले कोर्स की बात कर रही हूँ, आपको कुछ कोर्स लेना नहीं है, तो अगर फ्री वाली जो भी चीज़ें अगर एक आदमी करना चाहे ना, तो 2 महीने में पूरा का पूरा भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप कैपजेमिनी के लिए अगर करना चाहो तो 1 हफ्ता इनफ है, ओके। तो आप आराम से कुछ क्वेश्चंस वहाँ से लगा लेना, जो भी आपको मन करे, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। वहाँ मॉक इंटरव्यू के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। बाकी मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे पास एक वीडियो है इंटरव्यू बिट के लिए,
तो प्लीज़ वो देख लेना, वो आपको हेल्प करने वाला है। तो बस शायद आप समझ गए सारे राउंड्स। और हाँ, बहुत अच्छा एक पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, आप पूछोगे सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी का तो आपने बताया ही नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपको 3 लाख पर एनम मिलेगा, दैट इज विल बी योर CTC, ओके। और डेजिग्नेशन होगा आपका सीनियर एनालिस्ट का, ओके। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो यू विल बी ज्वाइनिंग एज सीनियर एनालिस्ट ऑफ कैपजेमिनी, एंड द पे विच यू विल बी गेटिंग दैट विल बी नथिंग बट 3.8 लाख पर एनम। तो हो गया, सब कुछ समझ गए। बाकी अगर नहीं समझे तो एक और बार वीडियो देख लो, आराम आराम से सब समझ जाओगे। और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ओके। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।